हेलो स्टूडेंट, आज आपको माइटोसिस डिवीजन यानी कि सूत्री विभाजन के बारे में आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं समझाऊंगा। ठीक है, देखो तो सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि जितनी भी लिविंग सेल्स हैं वो सब अपने जैसी सेल को डिवाइड ठीक मेथड द्वारा जन्म देती हैं। अब यहाँ पर जो जीव हैं उनमें दो तरह की सेल्स होती हैं, एक तो होती है सोमैटिक सेल जिनको बोलते हैं काई कोशिका, और दूसरी होती है जेनरेटिव सेल जिनको बोलते हैं जनन कोशिका। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका सूत्री विभाजन है, माइटोसिस डिवीजन है, ये होता है सोमैटिक सेल में, है ना। ये जो काई कोशिकाएं होती हैं उनमें ये विभाजन होता है, और इसकी जो प्रोसेस है उसमें देखो, एक मदर सेल ठीक है डिवाइड होकर टू डॉटर सेल बनाती है। ठीक है, और ये जो डिवीजन है वो मेनली कैरियोगाइनेसिस और साइटोगाइनेसिस दो अवस्थाओं के द्वारा कंप्लीट होता है। एक मात्र कोशिका विभाजित होकर दो पुत्री कोशिकाओं में बदलती है, और ये पूरा विभाजन कैरियोगाइनेसिस यानी कि केंद्रक विभाजन और साइटोकाइनेसिस यानी कि कोशिका द्रव विभाजन दो अवस्थाओं द्वारा कंप्लीट होता है। ठीक है, अब इसमें जो स्पेशल जो उसमें मेन पॉइंट है, मेन जो बिंदु है वो क्या है, देखो इसमें सबसे बड़ी विशेषता ये है कि जो मदर सेल है इसमें जो क्रोमोसोम नंबर है, मान लो क्रोमोसोम नंबर 2n है, अगर हम ह्यूमन की बात करें तो कितने हो गए, 46। ठीक है, ह्यूमन की अगर हम बात करें तो 46 हो गए। अगर मदर डिवाइड होकर डॉटर में कन्वर्ट हो रही है यानी कि पुत्री कोशिकाएं बन रही हैं, तो यहाँ पर जो पुत्री कोशिकाएं हैं उनमें क्रोमोसोम नंबर सेम रहेंगे यानी कि 46। ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है, समझ गए। तो सूत्री विभाजन काई कोशिकाओं में होता है, इसमें एक मात्र कोशिका दो पुत्री कोशिकाओं में बदलती है, लेकिन पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिकाओं के समान रहती है। ठीक है, बात समझ में आई। इन दिस माइटोसिस डिवीजन वन मदर सेल डिवाइड टू फॉर्म टू डॉटर सेल, इन डॉटर सेल क्रोमोसोम नंबर सेम देन मदर सेल। क्लियर, बात समझ में आई। अब देखो अगर हम इसकी डिस्कवरी की बात करते हैं तो आप ये समझ लो, इसमें एक नाम आता है स्ट्रासबर्गर 1870, ठीक है, दूसरा नाम आता है फ्लेमिंग 1879। तो स्ट्रासबर्गर का नाम क्यों याद रखना है, क्योंकि इन्होंने प्लांट सेल में इसको डिस्कवर किया, और फ्लेमिंग जो थे इन्होंने इसको एनिमल सेल में डिस्कवर किया। और आपको बता दें कि जो फ्लेमिंग है इन्होंने ही माइटोसिस जो टर्म है इसको दिया था 1882 में, समझ गए। तो स्ट्रासबर्गर ने 1870 में पादप कोशिका में इस विभाजन को खोजा या इसके बारे में समझाया। फ्लेमिंग जो थे उन्होंने 1879 में इसको समझाया एनिमल सेल में यानी कि जंतु कोशिका में, और फ्लेमिंग जो हैं उन्होंने ही माइटोसिस जो टर्म है उसको दिया, समझ गए। तो ये दो साइंटिस्ट जो हैं इनके नाम आप लोगों को एज ए डिस्कवरी अपने दिमाग में याद रखने, क्लियर हो गई बात।
अब अगर हम बात करते हैं माइटोसिस के मैकेनिज्म की, तो उसको भी आप लोग इजी वे में समझ सकते हैं। देखो, सबसे पहले अगर हम स्टेजेस की बात करें, तो देखो सबसे पहली जो स्टेज है वो आपकी क्या होगी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरफेस। और इंटरफेस के बारे में आपको सेल साइकिल जो पिछला वीडियो मेरा था उसमें मैंने आपको समझाया था, और इसमें जी1 फेस, एस फेस और जी2 फेस, तीन फेस आती हैं, आपको क्लियर है। तो इंटरफेस में प्रिपरेशन होगा, सेल साइज में इंक्रीज होगी, और साइज में इंक्रीज होने के बाद फिर सबसे पहले इसका न्यूक्लियस डिवाइड होगा, इट मींस कैरियोकाइनेसिस, और आफ्टर द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस फिर क्या होगा, साइटोकाइनेसिस। क्लियर हो गई बात? तो मेन आपकी टू स्टेज होंगी। नंबर बी पे क्या आ जाएगा, कैरियोकाइनेसिस, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, केंद्रक विभाजन, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब देखो जो केंद्रक का विभाजन है उसमें आपके चार स्टेज होती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो अब ये जो चारों स्टेज हैं उसमें जो चेंजेस होंगे उसको भी आप ध्यान से समझ लीजिए। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसकी, प्रोफेज। देखो ये आपका एक डायग्रामेटिक पार्ट है जिसको आप कह सकते हैं सेल के लिए। अब इसमें देखो ये हो गई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक, ये क्या हो गया न्यूक्लियोलस, ये हो गई सेल वॉल, और ये आपका होता है क्या, सेंट्रोसोम, इसको हम बोलते हैं काराकाय, केंद्रक कला, ठीक है, केंद्रिका, ठीक, तारककाय और कोशिका भित्ति। देखो प्रोफेज जो स्टेज है ये कैरियोकाइनेसिस की फर्स्ट स्टेज होती है, और इसको हम तीन स्टेप में कर सकते हैं, अर्ली प्रोफेज, मिडिल प्रोफेज और लेट प्रोफेज, ठीक है। तो आप उसको, मैं डायग्रामेटिक जो डायग्राम्स हैं उनके अकॉर्डिंग आपको समझा रहा हूँ। देखो सबसे पहले क्या होगा, अर्ली में जितना भी अंदर का क्रोमेटिन पार्ट है, जो क्रोमेटिन आपका कह सकते हैं थ्रेड्स हैं, वो नेटवर्क की तरह या जाल के रूप में फैले होते हैं, वो सब ब्रेक डाउन होते हैं, और जितने भी क्रोमेटिन थ्रेड्स हैं वो अब सेंट्रोमियर की सहायता से लंबाई में जुड़ जाते हैं, कुछ इस तरह से। जितने भी क्रोमेटिन थ्रेड्स हैं वो ब्रेक डाउन होंगे, टूट जाएंगे और कंडेंस होकर, सघन होकर, ठीक, सेंट्रोमियर की सहायता से लंबाई में इलोंगेशन वे पर क्या होंगे, अटैच हो जाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम इस वाले भाग की बात करें तो दैट इज सेंट्रोमियर, और ये सब क्या हो जाएंगे, क्रोमेटिक्स, इनको हम लोग कह सकते हैं अर्धगोलसूत्र, समझ रहे हैं, बात समझ में आ रही। ये आपका अर्ली प्रोफेज में होगा। फिर मिडिल प्रोफेज में क्या होगा कि जितने भी क्रोमेटिड्स हैं इनका जो डीएनए है वो रेप्लिकेट होगा,
और ये चीज़ मैं आपको सेल साइकिल में भी बता चुका हूँ, रेप्लिकेशन होने पर ये अपने जैसे क्रोमेटिड्स को क्या करते हैं, जन्म देते हैं। तो इस तरह से अब मैं आपको यही चीज अलग आपको दिखा दे रहा हूँ, आफ्टर रेप्लिकेशन सेंट्रोमियर से क्रोमेटिड्स के नंबर हो जाएंगे डबल, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सेंट्रोमियर से क्रोमेटिड्स कितने थे, 2, यानी कि डीएनए का जो नंबर था वो कितना था, 2n, और मिडिल प्रोफेज में क्या होगा, ये क्रोमेटिड्स रेप्लिकेट होकर अपने जैसे क्रोमेटिड्स को बनाएंगे जिनको हम लोग क्या बोलेंगे, सिस्टर क्रोमेटिड्स, सिस्टर। अब सिस्टर यहां पर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि दोनों का जो ठीक करैक्टर है, गुण है, वो कैसा रहेगा, सेम रहेगा, तो इसीलिए इसको सिस्टर क्रोमेटिड्स बोलेंगे, ठीक है। और यहां पर जो डीएनए के नंबर हैं वो कितने हो जाएंगे, 4n, तो 2n से जस्ट डबल हो जाएंगे 4n, ये आपका हो जाएगा क्या, मिडिल प्रोफेज। एंड लास्ट में लेट प्रोफेज में क्या होगा, ये जितने भी क्रोमेटिड्स हैं अब ये अपने आप में बेंड हो जाएंगे और बेंड होकर क्वाइल होकर थिक थ्रेड के रूप में कन्वर्ट हो जाएंगे। आफ्टर सम टाइम इनके सराउंडिंग प्रोटीन का एक आवरण बन जाएगा और इस तरह से ये कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, क्रोमोसोम में, ठीक है। बस नहीं देखो इस तरह से जैसे ये आपका है, अब ये आपस में ही बेंड हो गया, देखो ऐसे ये वाला इस तरह से, ये इस तरह से, अब इनके चारों तरफ प्रोटीन का एक एक आवरण बन जाएगा, ये देखो ऐसे। तो अब ये क्या बन गए, क्रोमोसोम, ये आपका हो जाएगा लेट प्रोफेज में, समझ गए। तो सिंपली आप समझ लो फर्स्ट प्रोफेज में यानी कि अर्ली प्रोफेज में क्रोमेटिन नेटवर्क ब्रेक होगा, जितने भी क्रोमेटिन थ्रेड्स हैं वो सेंट्रोमियर से लंबाई में जुड़ जाएंगे, यहाँ पर डीएनए के नंबर कितने होंगे, 2n। मिडिल प्रोफेज में क्रोमेटिड का रेप्लिकेशन होगा और रेप्लिकेशन होने पे डीएनए के नंबर हो जाएंगे 4n और बन जाएंगे सिस्टर क्रोमेटिड्स, और लेट प्रोफेज में जितने भी क्रोमेटिड्स हैं वो बेंड होकर क्वाइल हो जाएंगे, शॉर्ट एंड थिक हो जाएंगे और इनके सराउंडिंग प्रोटीन का एक आवरण बन जाएगा, तब इस तरह से ये क्रोमेटिड्स कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, क्रोमोसोम में। आगे वसन में ये तो इंटरनल जो चेंजेस थे वो मैंने आपको सेपरेटली दिखाए, अब देखो दूसरा चेंज क्या होगा। लेट प्रोफेज में नंबर 1, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये डिसअपीयर होने लगेगी, इसका डिसअपीयरेंस शुरू हो जाएगा यानी कि ये विलुप्त होने लगेगी, जो न्यूक्लियोलस है वो गायब हो जाएगी यानी कि खत्म हो जाएगी, और ये जो सेंट्रोसोम है ये ब्रेक होकर सेंट्रियोल में कन्वर्ट हो जाएंगे, एक आपका इस पोल पे चला आएगा और एक इस पोल पे, और इनसे एस्टर रेस निकलकर स्पिंडल एपरेटस बनाना प्रारंभ कर देंगे। तो न्यूक्लियस में क्या क्या चेंज होंगे, लेट प्रोफेज में न्यूक्लियोलस डिसअपीयर होने लगेगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर होने लगेगी, और जो तारककाय यानी कि सेंट्रोसोम है ये ब्रेक डाउन हो जाएगा सेंट्रियोल में, सेंट्रियोल 2 डिफरेंट पोल पे चले जाएंगे और एस्टर रे द्वारा एक स्पिंडल एपरेटस का निर्माण शुरू कर देंगे। तो ये जो इवेंट हैं, ये जो घटनाएं हैं, ये सब आपकी किसमें होंगी, प्रोफेज में। आ गया समझ में, क्लियर है, बात समझ में आ गई। अब देखो प्रोफेज के बाद आपकी जो सेकंड स्टेज होगी वो क्या होगी, मेटाफेज। देखो मेटाफेज में क्या क्या चीजें होंगी, देखो मेटाफेज, देखो मेटाफेज में स्पिंडल जो एपरेटस है
ये डिफरेंट पोल पे इस तरह से एक स्पिंडल एपरेटस फॉर्म होगा ऐसे, इस तरह से मान लो। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्पिंडल एपरेटस। इसको हिंदी में बोलते हैं टर्क तंत्र, और इसी को हम लोग एस्ट्रल रे एपरेटस भी कहते हैं, समझ गए। अब देखो ये जो सेंट्रियोल से निकलने वाले फाइबर्स हैं यानी कि तंतु, ये जहां पर क्या होंगे मिलेंगे, जैसे आप ये समझ लो एक सेंट्रियोल ये है और एक सेंट्रोल ये है। अब दोनों के जो फाइबर्स हैं वो किसी एक प्लेस पर आपस में क्या होंगे, जुड़ेंगे। तो जो इनका जंक्शन है, जहां पर दोनों फाइबर आपस में जुड़ रहे हैं, जो जंक्शन पॉइंट है, इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेटर प्लेस। इक्वेटर प्लेस ठीक है। अब देखो यहां पर जितने भी क्रोमोसोम लेट प्रोफेज में बनते हैं वो सारे के सारे इस स्पिंडल एपरेटस का जो इक्वेटर प्लेस है, जहां पर दोनों फाइबर आपस में अटैच होंगे, वहां पर ये क्या होंगे, लाइनियर वे पर अरेंज हो जाएंगे कुछ इस तरह से ऐसे, ठीक है। तो मेटाफेज स्टेज जो है ये, इसमें आप समझ लो जो तर्क तंत्र है स्पिंडल जो एपरेटस है ये कंप्लीट हो जाएगा, जहां पर स्पिंडल फाइबर जंक्शन यानी कि मिलेंगे वो इक्वेटर प्लांट या इक्वेटर प्लेस होती है, और इसको हम लोग दूसरे शब्दों में मेटाफेज प्लेट भी कहते हैं, प्लांट सेल में मेटाफेज प्लेट के नाम से इसको जाना जाता है। यहां पर जितने भी क्रोमोसोम हैं वो सेंट्रोमियर की सहायता से क्या होगा, उस फाइबर से अटैच हो जाएंगे। इसको आप अगर आप बड़ा करके देखना चाहें तो देखो, जैसे मान लो ये आपके स्पिंडल एपरेटस है ये, तो देखो यहां ऐसे ये कंडीशन ऐसे करके, सेंट्रोमियर जो है वो स्पिंडल फाइबर्स जो हैं उनसे अटैच हो जाएगा, और सारे के सारे जो क्रोमोसोम हैं वो इक्वेटर लाइन पर ठीक क्या होंगे, लाइनियर वे पर एक पंक्ति के रूप में अरेंज हो जाएंगे। तो इतना जो पॉइंट आपका होगा वो मेटाफेज के लिए होगा, क्लियर, बात समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे क्या एनाफेज की। देखो अब देखो एनाफेज जो है उसमें इस पोल के जो फाइबर हैं वो श्रिंक होंगे इस पोल के लिए, और इस पोल के जो फाइबर हैं वो इस तरफ श्रिंक होंगे, यानी कि जो फाइबर्स हैं अब उसमें श्रिंकिंग यानी कि सिकुड़ेंगे, इसमें जो है श्रिंकिंग होगी। जैसे ये पोल है तो ये अपनी तरफ खींचेंगे, ये वाले अपनी तरफ खींचेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, जो क्रोमोसोम्स हैं उनमें से हाफ इस पोल की तरफ और हाफ इस पोल की तरफ क्या होंगे, ट्रांसफर या माइग्रेट कर जाएंगे, ठीक है, बात समझ में। अब इसको अगर हम डायग्राम के रूप में समझना चाहें तो देखो इस तरह से आप इसको शो कर सकते हैं। देखो ये दो पोल हो गए, देखो इस तरह ऐसे, यानी कि हाफ एक पोल की तरफ माइग्रेट कर जाएंगे और हाफ दूसरे पोल की तरफ, ठीक। अब ये जो पॉइंट है
ये जो एक्सटर्नल फाइबर्स हैं जो सेंट्रियोल से निकलते हैं उनके सिकुड़ने के कारण होगा, और ये दोनों ही फाइबर अपोजिट डायरेक्शन में श्रिंक होंगे, और ऐसी कंडीशन में जो क्रोमोसोम्स हैं वो टू हाफ्स में इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएंगे, एक एक पोल की तरफ दूसरा दूसरे पोल की तरफ माइग्रेट कर जाएगा। यानी कि जो अभी तक डीएनए 4n था अब फिर से 2n डिवाइड हो जाएगा, और इस तरह से क्रोमोसोम नंबर फिर से क्या हो जाएंगे 2n और इक्वल टू किसके मदर सेल के। बात समझ में आ गई, क्लियर है? तो क्रोमोसोम नंबर इक्वल कैसे हो रहे हैं ये चीज आपको यहां पर समझ लेनी है। अब देखो जब ये क्रोमोसोम डिफरेंट पोल की तरफ जाएंगे तो यहां पर ये फिर से आपका चौथा पॉइंट हो जाएगा टीलोफेज, और टीलोफेज में जो प्रोफेज था फर्स्ट अर्ली जो प्रोफेज था उसके अपोजिट काम होगा। कैसे? नंबर वन जो प्रोटीन कवरिंग है वो डिजॉल्व हो जाएगी, जो अभी तक शॉर्ट और क्वाइल होकर क्रोमोसोम्स जो क्रोमेटिड्स थे वो क्रोमोसोम में कन्वर्ट हुए थे अनक्वाइल हो जाएंगे, और सभी क्रोमेटिन थ्रेड्स क्या होंगे फिर से फाइबर्स के रूप में क्रोमेटिन थ्रेड्स के रूप में कन्वर्ट हो जाएंगे। धीरे धीरे जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डेवलप हो जाएगी, न्यूक्लियोलस रीअपेयर हो जाएगी, और जितने भी आपके ऑर्गेनल्स हैं वो धीरे धीरे डेवलप हो जाएंगे। अब देखो अगर हम इसको डायग्राम के रूप में देखें तो देखो यहाँ पर जो क्रोमोसोम्स हैं वो क्रोमेटिड्स में कन्वर्ट होंगे, धीरे धीरे इनके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन बन जाएगी, न्यूक्लियोलस डेवलप हो जाएगी, और जितने भी क्रोमेटिड्स थे वो अनक्वाइल होकर थ्रेड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, और इस तरह से ये आपका क्या हो जाएगा डॉटर न्यूक्लियाई यानी कि संतति केंद्र। तो प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज टीलोफेज इन चार स्टेज के द्वारा एक केंद्रक दो संतति केंद्रक या पुत्री केंद्रक में डिवाइड हो जाएगा। इतनी प्रोसेस आपकी होगी कैरियोकाइनेसिस के लिए। आगे समझ में? क्लियर? फिर आपका लास्ट पॉइंट क्या आएगा साइटोकाइनेसिस। देखो साइटोकाइनेसिस ये आपका हो जाएगा सी पार्ट, और साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या होगा कोशिका द्रव विभाजन। ठीक है, बात समझ में? अब देखो यहां पर कोशिका द्रव विभाजन जो है वो प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में डिफरेंट होता है। तो सबसे पहले मैं एनिमल सेल की बात करता हूं। देखो जब यहां पर दो डॉटर न्यूक्लियाई फॉर्म होंगे, समझ गए, तो कोशिका द्रव में जितने भी माइक्रोफाइब्रिल एलिमेंट हैं माइक्रोफाइबर्स हैं वो सारे के सारे सेंटर पर जो कोशिका द्रव का सेंटर वाला पार्ट है यहां पर ये एकत्र हो जाएंगे इस तरह से माइक्रो फाइबर्स। अब ये जो माइक्रो फाइबर्स हैं ठीक है ये दोनों साइड से इस साइड से और इस साइड से जो सेल मेम्ब्रेन है कोशिका कला है उसको अंदर की तरफ क्या करेंगे खींचेंगे, बात समझ में, पुल करेंगे इनसाइड। तो देखो जब ये फाइबर इसको इस साइड से पुश करेंगे तो ये ऐसे करके इनवेडिंग होगी, और ये वाली कैसे होगी इस तरह से होगी, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे इनवेजिनेशन।
यानी कि अंतर्वलन, समझ रहे हो। तो माइक्रोफाइबर सेल मेम्ब्रेन को मीडियन रीजन पर इनसाइड क्या करते हैं, पुल करते हैं, खींचते हैं, और ऐसा होने से दोनों तरफ की जो सेल मेम्ब्रेन है वो इनवेजिट होने लगती है, और इसका इनवेजिनेशन धीरे 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 इस तरह से अंदर की तरफ होता हुआ, और एक समय ऐसा आता है कि ये दो डॉटर सेल में क्या होती है, ब्रेक हो जाती है। आया समझ में। ये आपका प्लांट एनिमल सेल के लिए होता है। अब प्लांट सेल में देखो थोड़ा सा चेंज है। प्लांट सेल में देखो क्या होता है, प्लांट सेल में इनवेजिनेशन नहीं होगा, जो इनवेजिनेशन हो रहा था वो प्लांट सेल में नहीं होगा, बल्कि दोनों न्यूक्लियस के बीच में एक पार्टीशन वाल बनेगी, एक पार्टीशन वाल बनेगी, और ये जो पार्टीशन वाल है इसको हम लोग बोलते हैं फ्रेग्मो प्लास्ट। इसी को दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं सेल प्लेट। तो एक तरह से ये समझ लो कि जो प्लांट और एनिमल सेल है उनमें ये डिफरेंस भी है। जो प्लांट सेल होती है उनमें आफ्टर कैरियोकाइनेसिस केंद्रक विभाजन के बाद किसकी फॉर्मेशन होगी, सेल प्लेट की, और सेल प्लेट की फॉर्मेशन में सेलुलोज, पेक्टिन, लिग्निन, सुबेरिन ये जो कंपोनेंट हैं ये यूज होते हैं। आया समझ में। तो जब ये सेल प्लेट पूरी तरीके से डेवलप हो जाएगी तो जो साइटोप्लाज्म है ठीक है वो क्या होगा, टू हाफ में डिवाइड हो जाएगा, और इस तरह से एक मदर सेल टू डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाएगी। अब ये दोनों सेल आपस में कंबाइन होकर भी लाइफ को आगे बढ़ा सकती हैं, और या फिर ये अपने मिड जैसे इसको मिडिल लैमेला बोलते हैं, आप लोगों ने सेलवाल पढ़ा होगा तो उसमें बीच का जो भाग है पेक्टिन से जो बनता है वो मिडिल लैमेला कहलाता है, तो वहाँ से ये स्प्लिट कर जाती हैं। दोनों जो डॉटर सेल हैं वो मिडिल लैमेला से स्प्लिट कर जाती हैं, और स्प्लिट करने पर ये टू डॉटर सेल सेपरेटली अपनी लाइफ एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करती हैं। समझ गए बात समझ में। तो साइटोकाइनेसिस जो है उसमें साइटोप्लाज्म का बंटवारा होगा टू हाफ में। यहाँ पर आप ये समझ लो कि जब साइटोप्लाज्म का बंटवारा होगा तो ऐसी कंडीशन में जो ऑर्गेनेल्स हैं, अब ऑर्गेनेल्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, ठीक, माइटोकांड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, डिफरेंट टाइप के और जो भी कंपोनेंट हैं ये डिवाइड हो जाते हैं। यहाँ पर जो माइटोकांड्रिया और क्लोरोप्लास्ट है ये सेल्फ रेप्लिकेबल होते हैं क्योंकि इनमें डीएनए होता है, और ये अपनी आवश्यकता के अनुसार अपने आप को सेल रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, समझ गए। तो कोशिका में माइटोकांड्रिया और क्लोरोप्लास्ट इनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये अपने आप को सेल्फ रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, समझ गए। और बाकी के जो ऑर्गेनल्स हैं उनकी फॉर्मेशन पहले ही हो जाती है इंटरफेज स्टेज में, और फिर ये डिवाइड होकर अलग अलग हो जाते हैं। समझ गए बात समझ में आ गई, ठीक। तो इस तरह से अगर हम माइटोसिस डिवीजन की बात करेंगे तो माइटोसिस डिवीजन जो है वो आपका तीन मेन स्टेज होती है, इंटरफेज जो कि प्रिपरेशन स्टेज होती है, नंबर टू कैरियोकाइनेसिस जिसमें आपके प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज चार स्टेजेस होती हैं जिसको मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, एंड लास्ट में साइटोकाइनेसिस जिसके माध्यम से जो साइटोप्लाज्म है कोशिका द्रव है वो टू हाफ में डिवाइड हो जाता है, ठीक है बात समझ में आ गई। तो ये जो डिवीजन है वो वृद्धि विभाजन यानी कि ग्रोथ डिवीजन के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इसमें जो जीव हैं वो अपनी शारीरिक वृद्धि को शो करते हैं, इसीलिए इसको वृद्धि विभाजन के नाम से भी जानते हैं। क्लियर। तो आप इस वीडियो को ध्यान से समझो, ठीक है। मैंने आपको शॉर्ट वे में, सिंपल वे में, एक सरल भाषा में आपको पूरा विभाजन समझाया है, तो ध्यान से आप इसको समझिए, और कोई भी दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।